फायर हेड फायर फायर देखो बचाओ 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 अनु हे माता रानी ये आग कैसे लग गई मोहन राकेश जल्दी पानी लेके आओ ठीक है ना बेटा लेकिन ये आग लगी कैसे पता नहीं नानी आग कैसे लगी लेकिन आप उधर देखिए क्या हो रहा है अर्जुन की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मिश्री उसे सब याद दिलाने के बहाने थका रही है नानी मुझे तो लगता है ये आग भी मिश्री ने ही लगाई है भाई तो कह रही थी कि पता नहीं और अब इल्जाम मिश्री के ऊपर डाल रही है बड़ी नानी वो मैं तीर पे तुक्का मार रही थी इस मिश्री को तो हम ए वो नहीं मूर्ख बुद्धि अरे मिश्री तेरे पोते की याददाश्त वापस ला रही है और तू उसे रोक रही है उन्हें तो दिया जलाया है आग तो ही न लगाई जी जी आप हर वक्त हमारी अनु को कोसती रहती पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हमारा अर्जुन कमजोर हो गया और ये मिश्री है कि लेकिन पोता कमजोर हुआ है दादी में अब भी दम है आपने हमें सिंदूर क्यों लगाया अर्जुन क्योंकि मियाँ आके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलेगा थैंक यू मम्मी टेंशन नॉट पर मैं मम्मी नहीं हूँ मैं तो अर्जुन हूँ मॉम मैंने होली के बिना कलर लगा दिया कुछ रॉन्ग किया अरे कुछ भी गलत नहीं किया बेटा
भवरिया, अर्जुन की याददाश्त वापिस आने लगी। जीती रहे। अगर ये ठीक ठाक हो गया ना अन्नू, तेरा कभी कछु ठीक नहीं होगा। अपने दिमाग के घोड़े की स्पीड बढ़ा, राम भला करे। नानी, डॉक्टर ने हमें कहा था हमें अर्जुन पे प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन वो मिश्री अर्जुन के साथ फेरे ले रही थी, पता नहीं उसे क्या क्या बता रही थी, और आपने कुछ भी नहीं कहा। अनु बेटा, समझने की कोशिश तो कर। क्या समझू नानी, अच्छे से जानती हूँ कहीं ना कहीं आप सीक्रेटली मिश्री की तरफ ही है। अरे ये बुड़बक में इतनी समझ कहाँ है, ये अब भी तेरी ही तरफ है। हाँ, पर एक बात ये जरूर जान गई है कि अर्जुन को अगर कौन ठीक कर सकता है ना, तो वो मिश्री है। मिश्री देख अनु, उस लड़की की छाप अर्जुन के मन पे काफी गहरी पड़ चुकी। तूने देखा ना कैसे बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे अर्जुन ने उसकी मांग भर दी थी। मिश्री के तरीकों से अर्जुन ठीक हो रहा है बेटा, इसीलिए वो जो कुछ भी करना चाहती है हम उसे करने देंगे। अर्जुन की तबीयत की खातिर ये कड़वा घूंट तो हमें पीना ही पड़ेगा। सुन लिया, अब अर्जुन और मिश्री को एक साथ देख के तू चाहे जल भून मार कुछ भी कर, पर उनको रोकना नहीं, वरना हमको कोई नहीं रोक पाएगा। अरे बस कर अनु, इस वक्त अर्जुन की तबीयत से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू बेटा। थैंक यू भाभी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे अर्जुन को सिर्फ उसकी मिश्री ही ठीक कर सकती है। आज सब मान गए। मिश्री बेटा, क्या सोच रही है? यही माँ, कि अर्जुन की आदाश वापस लाने के लिए हम और क्या कर सकते। भाभी, एक आइडिया है। आप अर्जुन भैया के साथ डेट पे क्यों नहीं जाते है ना माँ? हाँ, क्यूट सा, रोमांटिक सा, जहाँ सिर्फ आप और अर्जुन भैया, और डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी। माँ, आपको याद है ये लोग पहले भी तो डेट पे जाते थे। सब याद है, अब बस भी कर बुद्धू, देख तेरी भाभी कैसे शर्मा के लाल टमाटर हो गई है। इंसान प्यार में खुद को भुला देता है, लेकिन प्यार को कभी नहीं भूलता। तू तो मेरे अर्जुन का प्यार है, ये भी कोशिश करके देख ले। मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है बेटा। और भाभी, आपको अनु से कुछ घंटों के लिए ब्रेक भी मिल जाएगा। कल होगी भैया और भाभी की क्यूट सी रोमांटिक सी डेट। माँ, चीयर्स। बड़ी दादी। हाँ बेटा। बड़ी दादी, गेम खेलेंगे? अरे अरे नहीं बेटवा, हमको बहुत काम है, तुम खेलो ना। ओके अश्विन, आ जाओ रामलीला खेलते हैं। अर्जुन भैया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम कल खेले पक्का। हाँ ठीक है। अश्विन भी बिजी है। माँ। हाँ बेटा। माँ ड्राइंग करें, आप तो फ्री हो ना? अभी तो नहीं बेटा, पर हाँ
थोड़ी देर में हो जाऊंगी। वो क्या है ना कि मौसी जी को मेरी मदद की जरूरत है, थोड़ी देर बात करें। सब ज्यादा ही बिजी बन रहे हैं। चिंजुकुल, चिंजुकुल मेरे साथ जरूर खेलेगी। कितनी अच्छी खुशबू है, क्या बना रही हो? कुछ नहीं अर्जुन। कुछ नहीं? ये कुछ नहीं की खुशबू नहीं है, ये तो टेस्टी खाने की खुशबू है। दिखाओ ना। नहीं अर्जुन, कुछ ना। मत देखो ना। अरे दिखाओ अर्जुन, चिंजुकुल दिखाओ ना। कुछ याद आया अर्जुन? बात पूछूं? पूछिए अर्जुन। तुम क्या बना रही हो चिंजुकुल? हम तुम क्या? वो कुछ नहीं अर्जुन, कुछ नहीं। ठीक है, तुमको मुझे नहीं बताना तो मत बताओ, पर अभी घर में सब काम में बिजी है। या तो तुम मेरे साथ खेलो या तुम ही मुझे कुछ काम दे दो। आप पौधों को पानी दीजिए। ओके थैंक यू, अब मैं भी काम में बिजी हो गया। ये बाय। जिसे देखो उसे वो तैयारियों में लगा है। पता नहीं कौन सा त्योहार हो गया है। त्योहार ही तो है, अर्जुन मिश्री की डेट है पगली। तभी अर्जुन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये बड़ी बड़ी आंखें करने से फली ना फूटनी। बड़ा प्लान पर, वरना तेरा तो राम भला करे। रिलैक्स मासी, कोई डेट वेट नहीं होने वाली। आज वो होगा जिसे अर्जुन हमेशा याद रखेगा। ये बात अर्जुन क्या कर रहे हो? प्लांट्स को पानी डाल रहा था, क्योंकि स्ट्रिंजिकल ने मुझे कहा था। बिग बॉय हूँ ना, बिग बॉय वाला काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसने तुम्हें छोटे बच्चों वाला काम देके बुद्धू बना दिया, तुम वो काम कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए बिग बॉयज जो काम करते हैं वो काम लेकर आई थी। पर ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। अनु, तुम सचमुच में मुझे बिग बॉय वाला काम दोगी? हाँ। इनकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। कैसे? अब सुनो अर्जुन, सारे बिग बॉयज फैक्ट्री जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जैसे तुम्हारे पापा, वैसे ही आज तुम भी जाओगे। बहुरिया, आज छत पे जाना ना तो तनी संभाल के जाना। हाँ, इसे क्या देख रही है? सूरज और चंद्रमा भी तुझे देख के जलने लगेंगे, इतनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू बड़ी दादी। बड़ी दादी, आपको लगता है कि ये सब करके अर्जुन की आदाश वापस आ जाएगी? अरे पगली, अर्जुन को अगर सब कुछ का उन्हों याद दिला सकता है ना, तो वो सिर्फ तू है।
हमें तुझ पर पूरा भरोसा है और तनी तू भी अपने ऊपर भरोसा रख। हाँ मैं फैक्ट्री जाऊंगा। हाँ तुम्हें पापा की तरह बनना है ना। हाँ फैक्ट्री तो जाना ही पड़ेगा। पर कैसी माँ मुझे अकेले जाने नहीं देंगी, पापा साथ में लेके जाएंगे नहीं। एक रास्ता है। हाँ खुश रहे, सदा सुहागन रहे। अब जो कुछ भी होएगा ना सब बढ़िया होएगा, देख लेना। अर्जुन तो गया मिश्री, अब तू डेट पे अकेली जाएगी? हाउ सैड। मैं तेरे हर प्लान पे पानी नहीं तेजाब फेरूंगी बेटा। अर्जुन को ठीक करने की तेरी हर कोशिश मैं राख कर दूंगी। अर्जुन, 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 अर्जुन कहाँ गए? अर्जुन यहाँ नहीं है। क्या हुआ? अर्जुन को ढूंढ रही है? मिला? हाँ? अर्जुन कहाँ है प्रिया? अर्जुन तो ना ना ना। एक काम कर, पहले तू मेरे पैर दबा फिर बताऊंगी। चल चल जल्दी कर। प्रिया क्या हुआ मिश्री? प्यार में तू मरने मारने की बातें कर सकती है और जरूरत पड़ने पे अपने पति के लिए मेरे पैर नहीं दबा सकती। हाँ चल शुरू हो जा, पहले पैर दबा फिर बताऊंगी। चल चल जल्दी कर शुरू हो जा। मिश्री कम फास्ट। वेरी गुड। कि जब शेरनी को गुस्सा आता है तब उसे छेड़ते नहीं, उससे दूर चले जाते हैं। और इस वक्त शेरनी को बहुत गुस्सा आया है प्रिया। इससे पहले कि तू हमारा शिकार बने बता दे अर्जुन कहाँ है। नानी छोड़, बता अर्जुन कहाँ है। नानी सिंदूर की मंद। इडियट हम नहीं तू है प्रिया, जो इतना भी नहीं जानते कि जब शेरनी को गुस्सा आता है तब उसे छेड़ते नहीं, उससे दूर चले जाते हैं। और इस वक्त शेरनी को बहुत गुस्सा आया है प्रिया। इससे पहले कि तू हमारा शिकार बने बता दे अर्जुन कहाँ है। नानी छोड़, अर्जुन कहाँ है। नानी राम भला करे, हाथ में चाकू। ज्योति की नोक पर रहने वाले
लोगों को चाकू की नोक पर नहीं रखते। इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए लड़की, चाकू छोड़ दे। छोड़ चाकू। उठा नू। नानी, इसने अर्जुन को कहीं भेज दिया है और अब बता नहीं रही है। क्या प्रिया, तूने अर्जुन को कहीं भेज दिया है? कहाँ है वो? नहीं मामी, ये झूठ बोल रही है। मैंने अर्जुन को कहीं नहीं भेजा, बल्कि इसी ने अर्जुन से इतना काम कराया, उसको इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि वो खुद ही ये घर छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। अर्जुन कहाँ है ये सब ये जानती है, लेकिन बता नहीं रही। चुप, तो चुप। अरे चीख पुकार बंद करो, पहले अर्जुन कहाँ है उनको ढूंढो। मेरा अर्जुन कहाँ चला गया? हाय मम्मी, आप कहाँ चले गए अर्जुन? तूने हमारे अर्जुन से घर के काम करवाए? नहीं नानी, वो तो अर्जुन बोर हो रहे थे तो हमने कहा कि पौधों में पानी देने के लिए, पर अर्जुन कहाँ है ये सब ये जानती है, लेकिन बता नहीं रही। चुप, तो चुप। अरे चीख पुकार बंद करो, पहले अर्जुन कहाँ है उनको ढूंढो। मेरा अर्जुन कहाँ चला गया? हाय मम्मी, आप कहाँ चले गए अर्जुन? सर मैं भी काम करूं? हाँ तो क्या बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिएगा? अच्छे रुपए मिलेंगे ना? हाँ काम के बाद। अरे इतना भारी है, उठा लेगा क्या? हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। भैया अर्जुन को देखा आपने? जी रहने दे, नहीं उठा पाएगा। सर मैं भी काम करूं? हाँ तो क्या बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिएगा? अच्छे रुपए मिलेंगे ना? हाँ काम के बाद। अरे इतना भारी है, उठा लेगा क्या? हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। भैया अर्जुन को देखा आपने? जी रहने दे, नहीं उठा पाएगा। ये तो कच्ची दीवार निकला।